ऑल माइटी पुश, और इसी अटैक के साथ हो जाता है कुनहाओ विलेज का पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन। एंड इसी डिस्ट्रक्शन के बीच में खड़ा है पेन विद कोनन बाय हिज साइड। पेन कामली बोलता है फिर, देखो इस तबाही को, यह है पेन की ताकत। अब ये दुनिया हमेशा याद रखेगी कि शांति का असली मतलब क्या है। फिर कोनन बोलती है कि हमने अपना काम पूरा किया, अब आगे का क्या प्लान है। पेन सीरियसली बोलता है कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है उजुमा की नारुतो को ढूंढना एंड पूरे सुनोवी दुनिया को द मीनिंग ऑफ रियल पेन बताना। एंड इसी के साथ ही पेन और कोनन चले जाते हैं कुनहाओ विलेज से अपने अगले कदम को बढ़ाने के लिए, जिसका किसी को नहीं पता। एंड कुछ देर बाद उस तबाही के बीच में पहुंचता है नारुतो उजुमा की। वो अपनी आँखें खोलता है एंड चारों तरफ देखता है, उसके साथ से अटक जाती है एंड वो शौक में होता है। एंड नारुतो हाँफते हुए बोलता है कि ये क्या हुआ यहाँ पर, मैं कहाँ हूँ। फिर फुकासाकू बोलता है कि ये कुनहाओ विलेज है। फिर नारुतो बोलता है कि आखिर ये कैसे हुआ, ये किसने किया, मैं इतनी लेट कैसे हो गया। फुकासाकू बोलता है कि नारुतो बॉय, ये काम सिर्फ एक ही जना कर सकता है एंड वो है पेन। नारुतो गुस्से में बोलता है कि पेन पेन पेन, पहले जिराया सेंसे, अब कुनहाओ विलेज के लोग, मैं पेन को नहीं छोड़ूंगा। फिर फुकासाकू और नारुतो कुनहाओ विलेज के अंदर जाते हैं ये देखने के लिए कि कुछ लोग बचे हैं कि नहीं, एंड जो लोग बचे हैं उनकी मदद की जाए। एंड इसी बीच नारुतो को एक फ्लैशबैक आता है उसके बचपन का, जो कि उसने कुनहाओ विलेज के अंदर बिताए थे, कुछ हैप्पी मोमेंट्स जो उसने अपने दोस्तों के साथ बिताए थे, एंड वो उन मोमेंट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश था। मगर जो पहले कुनहाओ विलेज था, अब वो वैसा कुनहाओ विलेज नहीं है। चारों तरफ तबाही ही तबाही है एंड लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं चारों तरफ। ये देख के नारुतो का खून खोल रहा है एंड उसे गुस्सा भी आ रहा है कि वो उनको टाइम से बचाने के लिए नहीं आ पाया। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और फिर ज़ोर से चिल्लाता है कि पेन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एंड उसी तबाही के बीच में वो अपने दोस्तों का ज़ोर ज़ोर से नाम लेता है, शिकेमारू, साकुरा, हिनाटा। एंड नारुतो की आवाज़ सुन के उसके कुछ दोस्त बाहर आते हैं एंड वो उनसे मिलता है एंड बोलता है कि शिकेमारू, साकुरा, हिनाटा, तुम ठीक हो। जब साकुरा नारुतो को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, साकुरा की आंखों में आंसू होते हैं। वो उसके पास जाती है और उसके गले मिलती है एंड उसे सारी चीज़ें बताती है कि कैसे पेन ने तबाही मचाई विलेज के अंदर और कैसे उसने लोगों को मारा। आखिर में साकुरा बहुत ज़्यादा तेज़ होते हुए बोलती है कि नारुतो, इसी तबाही के बीच में काकाशी सेंसे एंड सुनाडे भी मर गए। ये सुनते ही नारुतो पूरी तरह से शौक में चला जाता है एंड उसकी आंखों में गुस्सा दिखता है एंड वो एक रिवेंज लेना चाहता होता है पेन से बहुत ही जल्दी। एंड ये सारी चीज़ें शिकेमारू नोटिस कर लेता है। जितने में शिकेमारू नारुतो को कुछ बोलता, नारुतो वहाँ से चला जाता है भागते हुए एंड शिकेमारू भी नारुतो के पीछे भागता है। एंड शिकेमारू नारुतो को कहता है कि नारुतो मेरी बात सुनो, हमें अब सोच समझ कर अगला कदम उठाना पड़ेगा। पेन को सीधा टक्कर देना अभी स्मार्ट नहीं होगा, तुम ऐसे गुस्से में नहीं जा सकते हो। फिर नारुतो बोलता है कि शिकेमारू, तुमने भी तो अपने सेंसे आसुमा सेंसे का बदला लिया था, मेरे तो पेन ने दो दो सेंसे को मारा है, जिराया सेंसे एंड काकाशी सेंसे एंड साथ ही साथ ग्रैंडमा सुनाडे को भी। एंड तुम मुझे कह रहे हो कि गुस्सा ना करूं। नहीं शिकेमारू, मैं इस पेन को नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे उसके कर्म का फल जरूर दूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। शिकेमारू बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी बात को समझता हूँ, मगर तुम भी समझो कि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम ये वॉर हार जाएंगे। मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि जब कोई अपनापन से दूर होता है तो कैसा फील होता है, तो नारुतो मैं तुम्हारी सारी बात को समझता हूँ, मगर प्लीज़ एक दोस्त के नाते तो रुक जाओ। नारुतो थोड़ी दूर जाके रुकता है एंड बोलता है कि मेरे ही साथ क्यों, आखिर मैं ही क्यों, जिन्हें मैं अपना मानता हूँ वो मेरे से दूर क्यों हो जाते हैं। शिकेमारू नारुतो के कंधे पर हाथ रखता है एंड बोलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी के अंदर जिनको हम बदल नहीं सकते हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग अपन से दूर जरूर हुए हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, ना ही हम उनसे कभी मिल पाएंगे, मगर वो हमारी यादों में तो जिंदा है। उनके साथ बिताए गए हुए पल एंड उनकी दी हुई शिक्षा को याद करो नारुतो एंड आगे बढ़ो, क्योंकि दैट्स हाउ द शिनोबी लिव्स। नारुतो फिर खड़ा होता है एंड बोलता है कि शिकेमारू, तुम्हारी सारी बात सही है, जो मुझे जिराया सेंसे, काकाशी सेंसे एंड ग्रैंडमा सुनाडे ने सिखाया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। एंड उसी के साथ ही साथ कुनहाओ विलेज की हर एक जान का बदला मैं लूँगा। पेन, अब मैं तुझे समझाऊँगा कि असली पेन क्या होता है।
फिर शिकामारू और नारुतो वापस विलेज के अंदर आ जाते हैं एंड वो सारे लोगों के पास पहुंचते हैं एंड शिकामारू अपना प्लान बताता है कि अब आगे हमें क्या करना है। शिकामारू कहता है कि पेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विलन है एंड जो उसकी आर्मी है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उसे ऐसे ही नहीं हरा सकते हैं, हमें कुछ अलायंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारा सबसे पहले काम होगा कि कुछ अच्छे अलायंस को ढूंढना जो कि हमारे साथ मदद कर सके पेन से लड़ने के लिए। तो तय ये होता है कि सुबह सुबह हम निकल पड़ेंगे एलाइज को ढूंढने के लिए जो कि हमारी मदद करेंगे पेन से लड़ने के लिए। ये बात ख़त्म होने के बाद नारुतो, शिकामारू, हिनाटा, साकुरा एंड बाकी के लोग विलेज के अंदर निकल जाते हैं और लोगों को देखने के लिए कि कोई बचा है कि नहीं एंड जो लोग नहीं बचे हैं उन्हें दफना दिया जाए। नारुतो को काकाशी की बॉडी मिलती है एंड साकुरा को सुनाडे की। वो उन दोनों की बॉडी को कैरी करते हैं एंड दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, उन दोनों के ही दिमाग में उनके फ्लैशबैक चल रहे होते हैं एंड दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रोते हुए अपने दोनों सेंसे को दफनाते हैं। अब नारुतो उनकी ग्रेव के पास खड़ा है एंड बोलता है कि जिराया सेंसे, काकाशी सेंसे एंड ग्रैंडमा सुनाडे, आप तीनों ही मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब थे एंड मैं ये चाहता था कि जब मैं हुकागे बनूं तो आप तीनों मुझे देखें। काकाशी सेंसे या जिराया सेंसे, जो आप दोनों ने मुझे सिखाया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और नारुतो फिर कहता है कि अगर ऐसी ही शिनोबी वर्ल्ड है जिसके अंदर कोई जान की कीमत नहीं है मासूमों की, तो मैं इस शिनोबी वर्ल्ड को बदलूंगा, मैं एक ऐसा दौर लेके आऊंगा जहां पर चारों तरफ शांति रहेगी, जहां पर ना कोई लड़ाई होगी ना किसी मासूम की जान जाया करेगी, मेरा ये आप तीनों से वादा है। आप तीनों लोगों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, मैं इस जगह को फिर से खड़ा करूँगा, मैं कोनाहो विलेज को पहले से भी बेटर बनाऊँगा एंड साथ में पूरे शिनोबी वर्ल्ड को भी। फिर साकुरा आती है एंड नारुतो के कंधे पर हाथ रखती है एंड बोलती है कि नारुतो हम भी यही चाहते हैं एंड तुम इस चीज़ में अकेले नहीं हो, हम सब भी तुम्हारा साथ देंगे। एंड हिनाटा भी उधर होती है एंड उसके मन में चल रहा होता है कि नारुतो ने अपने दोनों सेंसर को खो दिया, तब भी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है एंड साथ ही साथ विलेज को भी वापस खड़ा करना चाहता है, तो मैं इस चीज़ में उसका साथ दूंगी। फिर फुकासा को बोलता है कि नारुतो बॉय, मुझे तुम्हारी सारी बात समझ में आई, मगर मैं यही चाहूँगा कि तुम एक बार हमारे साथ वापस चलो एंड सेज मोड को अच्छी तरह से और सीखो। नारुतो बोलता है कि नहीं, इस बार मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं इनके साथ रहूँगा और पेन से लड़ूंगा और उसे हराऊंगा भी। फुकासा को बोलता है कि नारुतो तुम इस कंडीशन के अंदर पेन को नहीं हरा सकते हो, तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तुम बात को क्यों नहीं समझते हो, तुम ही इन सब की आखिरी उम्मीद हो, अगर तुम भी ऐसा करोगे तो ये विलेज डन है, इसको कोई नहीं बचा सकता है, ये जो तुमने तबाही देखी ये तो कुछ नहीं है, अगर पेन ने तुम्हें पकड़ लिया तो जो आने वाले टाइम पे शिनोबी वर्ल्ड की तबाही होने वाली उसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। शिकामारू ये सारी बातें सुन रहा होता है एंड समझ जाता है कि अगर हमें पेन को हराना है तो नारुतो को और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी हम जाके पेन से लड़ पाएंगे एंड उसे जीत पाएंगे। फिर शिकामारू नारुतो को कहता है कि नारुतो बात सुनो, तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, हम यहाँ पे सबको संभाल लेंगे, तुम जाओ, तुम बेफिक्र रहो, हमें इस बार कुछ नहीं होगा, तुम जब तक आओगे तब तक हम एलाइज भी ढूंढ लेंगे एंड फिर हम पेन को हरा भी देंगे एंड सबकी जान का बदला भी ले लेंगे, तो जाओ नारुतो जाओ। नारुतो उनकी सारी बातें सुनता है एंड फुकासाकू को कहता है कि चलो फुकासाकू चलते हैं यहाँ से, मगर जाने से पहले नारुतो कहता है कि इस बार मैं टाइम से पहले आ जाऊँगा, तब तक अपना ध्यान रखना, मिलता हूँ बहुत ही जल्द तुम सबसे। इसके बाद वापस फुकासाकू और नारुतो चले जाते हैं टोल्ड वर्ल्ड में, जहाँ पे नारुतो जाते ही अपनी कंटिन्यू करता है ट्रेनिंग अंडर फुकासाकू एंड साथ में ही फुकासाकू को उसकी आंखों में एक आग दिखाई देती है, एक डिसिप्लिन दिखाई देता है, एक डेडिकेशन दिखाई देती है कि अब उसे ये चीज़ सीखनी ही है। एंड दूसरी तरफ शिकामारू एंड बाकी के लोग निकल जाते हैं एलाइस को ढूंढने के लिए एंड ये बात कोनन तक पहुंच जाती है कि कुनाओ के बचे हुए लोग एलाइस को ढूंढने जा रहे हैं अपने खिलाफ लड़ने के लिए एंड ये बात वो पेन को बताती है एंड पेन बोलता है कि वेल वेल वेल, अब हमें अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ना चाहिए। एंड कोनन बोलती है ओके पेन एंड इसी के साथ अपना पहला एपिसोड होता है ख़त्म। आखिर पेन का अगला मिशन क्या है एंड अगले मिशन के अंदर वो क्या करने वाला है, क्या वो उनके ऊपर अटैक करने वाला है, क्या शिकामारू और उनके लोग ढूंढ पाएंगे एलाइस को, क्या वो पहले ही मर जाएंगे, क्या नारुतो इस बार टाइम से पहुंच पाएगा कि नहीं, एंड बहुत कुछ होने वाला है आने वाले एपिसोड्स के अंदर। अगर आपको भी जानना है कि क्या क्या होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए।
एनिमे गॉड को।